रेल हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पहुंचे सीआरएम दिनेश चंद। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की, जहां सरहिंद रेल हादसे की जांच के लिए मंगलवार सुबह कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद देसवाल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं अंबाला मंडल के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया भी थे। सीआरएस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद तकनीकी जायजा भी लिया। बता दें कि 2 जून की सुबह सरहिंद में खड़ी मालगाड़ी से पीछे से दूसरी मालगाड़ी टकरा गई थी। इस हादसे में हावड़ा जम्मू समर स्पेशल सवारी गाड़ी के 2 स्लीपर भी मामूली रूप से प्रभावित हुए थे। इस हादसे में मालगाड़ी के 2 लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका उपचार चल रहा है। दुर्घटना स्थल की जांच के बाद बात करते हुए सीआरएम दिनेश चंद देसवाल ने सरहिंद रेल दुर्घटना को गंभीर हादसा बताया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है। डीएससीसी लाइन पर यह पहला हादसा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि भले ही रेलवे और डीएफसीसी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों का नियंत्रण रेल मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों के बीच तालमेल की कमी कभी अभी तक सामने नहीं आई है। हादसे के पीछे मानवीय या तकनीकी खामी पर सीआरएस देसवाल ने कहा कि अभी किसी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है, इसमें तकनीकी पहलू काफी अहम है। राहत कार्य में लगे रेल कर्मियों में से एक रविवार शाम घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए ले जाने को एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। इस पर सीआरएस का कहना था कि यह गंभीर मामला है, राहत कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए इंतजाम भी जाँच में शामिल किए जाएंगे। मंगलवार सुबह 8 बजे दुर्घटना स्थल पर सीआरएस दिनेश चंद देसवाल रेल अधिकारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने करीब 1.5 घंटा दुर्घटना स्थल का जायजा लेने और तकनीकी जांच में बिताया। इसके बाद वह विशेष रेल वाहन से अंबाला के लिए रवाना हो गए।